तो आप भी हम इसको उड़ाएंगे। तो गैज आप देख सकते हैं ये कबूतर ठीक हो गए हैं और हमारे जो भैया अविनाश जी ने इन्हें बहुत ही गंभीर हालत में पकड़ा था और आज ये एकदम ठीक हो गए हैं और उड़ने की कंडीशन में। जहाँ पर भी आपको ऐसे मिले तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप और ये इनकी सेवा करेंगे और ठीक होने के बाद ये उन्हें उड़ा देते हैं। ये दूसरा है, पास कंडीशन एकदम सही है। अब ये उड़ेंगे, बड़े बेताब हो रहे हैं ये उड़ने के लिए। हाँ एक मिनट पतंगबाजी होती है उस मांझे से जो पक्षी है वो घायल होने लगे, तो परमार सेवा समिति ने एक मुहिम चलाई कि भाई जो भी घायल पक्षी है उसकी सेवा है वो हमें दो। तो हमारे पास रेस्क्यू कॉल आने शुरू हो गए। उस रेस्क्यू कॉल से ही हमने 50 से ज्यादा पक्षियों को रेस्क्यू किया और जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा ये पंख इसका कट गया मांझे से। तो अब ये सेवा है, अब ये रिकवर नहीं होंगे। तो टीम परमार जिसके सेवा में लगी हुई है और इसको दाना पानी और ट्रीटमेंट जो भी है वो कर रही है पिछले 3-4 महीने से। मेरा नाम अविनाश व्यास है, परमार सेवा समिति अध्यक्ष। पिछले 10 वर्षों से ये सेवा कार्य कर रहे हैं जिसमें पक्षियों का विशेष तौर से हम ध्यान रख रहे हैं और उन पक्षियों का जो घायल हो जाते हैं मांझे से या कोई घायल कर देता है उनको हम रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें लोग? हमारा इंस्टाग्राम पे परमार सेवा समिति नाम से एक पेज है, तो उस पर मैसेज डाल सकते हैं, वरना एक हेल्पलाइन नंबर है 7877175843, वो मेरे पास ही रहता है। वहाँ हमें आप बता दें कि भाई इस जगह यहाँ एक घायल पक्षी है तो हम वहाँ पहुँच के रेस्क्यू कर ले। नहीं तो नथुसर गेट के बाहर वाले हनुमान मंदिर के पास हमारा परमार पक्षी घर है, तो वहाँ आकर अगर आप पक्षियों को रखना चाहें तो हमें आप वहाँ सौंप सकते हैं। तो इसके कुछ चार्जेस थोड़ी लेते हैं आप? नहीं नहीं, ये हमारा शौक है, ये सेवा का काम है और हमें मजा आता है ये काम करने के लिए। हम तो धन्यवाद देते हैं सामने जो यहाँ पे लेके आते हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि आप इस छोटी काशी में रह के इस सेवा का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चार्ज कुछ नहीं है इसका। कितने साल हो गए करते हैं आपको ये? हमें 10 वर्ष हो गए। तो कितने मेंबर है अभी आपकी टीम में? हमारी टीम में 15 से 20 मेंबर है। उसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सहयोग करते हैं तो वो भी है, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको मेंबर मानते हैं, क्योंकि एक विचारधारा है, परमार्थ एक विचारधारा है जो बीकानेर छोटी काशी में लगातार वर्षों वर्ष चलती आ रही है। तो इसमें पहले बड़े लोग करते थे काम, अब हम युवा शक्ति अगर इसमें लग के काम करें तो इसको आगे तक बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मुझे पहले बताइए कि आपको ये तोता कहाँ से मिला और क्या कंडीशन है अब इसकी? ये हमें लक्ष्मीनाथ जी से मिला था, ये मांझे में उलझ चुका था पूरा, 15 से 20 फीट ऊपर पेड़ में उलझा हुआ था। कौवे इसको जख्मी कर रहे थे, हमारे पास रेस्क्यू कॉल आया, हम तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचे और इसको वहाँ से उतारा और कंडीशन पहले से अच्छी है। घायल हो गया जगह जगह से, क्योंकि कौवे ने इसको और जो मांझा था दोनों से इसको चोट लगी, लेकिन अब परमार्थ पक्षी घर में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से ये बेहतर है।